एक या दो किलोमीटर लंबी रैली के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन शनिवार को 180 किलोमीटर लंबी रैली निकलेगी। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भोपाल पार्टी कार्यालय पर स्वागत होगा और कैलाश के साथ इंदौर के सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में भोपाल पहुंचेंगे। इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, कांग्रेस ने इसे कैलाश और उनके समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन करार दिया है। इंदौर से भोपाल तक स्वागत, रैली की शक्ल में निकलेगा काफिला। 180 किलोमीटर की निकलेगी रैली। जी हां, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद से उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। महासचिव बनने के बाद वो शनिवार को पहली बार भोपाल पहुंचेंगे, जहां बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। विजयवर्गीय शनिवार सुबह इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। यहां से बड़ी संख्या में उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता भी भोपाल रवाना होंगे। इंदौर से भोपाल के रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। पूरा आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और वो इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे, तो हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और कैलाश विजयवर्गीय जी के समर्थक भी, कई सारे जनप्रतिनिधि जिनमें सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद, ये सारे लोग माननीय कैलाश जी के साथ में भोपाल पहुंचेंगे। इंदौर के अरंडिया गांव में सारे कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। इस दौरान विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र महू से अल्पसंख्यक समुदाय के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल पहुंच रहे हैं। 180 किलोमीटर की इस रैली को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे महज शक्ति प्रदर्शन करार दिया है। इसके पहले भी कई लोग राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की महासचिव रहे, उपाध्यक्ष रहे, लेकिन उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है लो प्रोफाइल होकर काम करने की, उसका अनुसरण करते हुए अपने आप को अपने पद के साथ बांध के रखा, जिसमें वो अपने दल बल धन बल सभी चीजों का खुलकर प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद से कैलाश विजयवर्गीय का राजनीतिक कद बढ़ा है। वो अब पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी बना दिए गए हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक चाहते हैं कि उनके बड़े हुए कद को अच्छी तरह से भुनाया जाए, मगर राजनीतिक चश्मे से इस रैली के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। पुनीत से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, वाकई में भव्य समारोह के आयोजन की तैयारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कैलाश विजयवर्गीय के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद। इंदौर जब पहुंचे थे तब हमने देखा था बहुत अच्छा स्वागत समारोह हुआ था और वैसा ही कुछ अब इंदौर से भोपाल आएंगे तो उसकी तैयारियां हैं। जी हाँ विजय जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी की यदि बात करें तो इंदौर शहर में उनका खासा प्रभाव है और जो उनके समर्थक है उनके बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद से ही काफी उत्साहित है और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत पहली बार इंदौर आगमन पर किया गया था वैसा ही स्वागत उनका भोपाल आगमन पर भी किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 180 किलोमीटर की रैली के तहत ये स्वागत होगा। इंदौर के अरंडिया गांव से ये रैली शुरू होगी जिसमें सैकड़ों की तादाद में चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन रहेंगे और हजारों की तादाद में उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यदि बात की जाए इंदौर से भोपाल के 180 किलोमीटर के रास्ते की, तो जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा, पूरी रैली का स्वागत किया जाएगा और काफी भव्य ये स्वागत होने वाला है। जिस तरह से हमारे दर्शकों ने और आपने भी सुना कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने भी इस पर निशाना साधने का प्रयास किया है, उसे एक शक्ति प्रदर्शन बताने का प्रयास किया है कि कैलाश विजयवर्गीय इस रैली के मार्फत एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। कई तरह के निशाने कांग्रेस साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद उनका कद काफी बड़ा है। पश्चिम बंगाल के भी वो प्रभारी बनाए जा चुके हैं और अब भोपाल पहुंचने के बाद काफी बड़ा उनका स्वागत बीजेपी पार्टी कार्यालय पर होने वाला है। और बिल्कुल पुनीत, और कई तरह से इस पूरे आयोजन को देखा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है, लेकिन समर्थकों में उत्साह है और इसी उत्साह का ही नतीजा है कि 180 किलोमीटर रैली निकलेगी, जगह जगह स्वागत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए।